पब्लिक टीवी आपकी आवाज। गुरुवार को नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक संपन्न हुई। महापौर कैंप कार्यालय पर आयोजित बैठक में महापौर विनोद अग्रवाल ने अध्यक्षता की। नगर आयुक्त दिव्यांशु पटेल की देखरेख में बैठक संपन्न हुई। कार्यकारिणी की बैठक में हाउस टैक्स से लेकर यातायात और सफाई से लेकर जल भराव तक की सभी समस्याओं को कार्यकारिणी सदस्यों ने प्रमुखता से उठाया। बैठक में GIS सर्वे के स्थान पर स्वतः टैक्स अदा करने का प्रस्ताव रखा गया, तो वहीं महानगर में हर वार्ड में 25 कर्मचारी तैनात करने का भी प्रस्ताव पास हुआ। इस दौरान आयोजित बैठक में सभी कार्यकारिणी सदस्यों ने शहर में बढ़ती जा रही स्मार्ट सिटी कार्यों में शिथिलता पर भी जोर दिया। आज 11 बजे नगर निगम कैंप ऑफिस पे कार्यकारिणी की बैठक संपन्न हुई, जिसमें सभी पार्षद उपस्थित रहे, जिसमें पिछली कार्रवाई की पुष्टि के दौरान विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें सफाई, जलकर, पथ प्रकाश और विशेष रूप से गृहकर पर आज एक प्रस्ताव पारित हुआ, जिसके अंदर स्वयं कर निर्धारण की जो शासन की योजना है उसको प्रभावी रूप से लागू करने के ऊपर जोर दिया गया। इसके अतिरिक्त जो GIS सर्वे है उसमें आ रही आपत्तियों के दृष्टिगत उसमें बहुत तरह तरह की चुकी सब लोगों पे ये शिकायत आ रही है कि उसका क्षेत्रफल कम है और इसमें जो बिल है उसमें क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा दिखाया गया है, तो इस उन लोगों के असंतुष्ट होने के कारण उसको अभी शासन को संदर्भित कर दिया गया है और यहाँ पर फिलहाल में स्वयंकरण नीति के तहत क्षेत्र में वार्डों में कैंप लगा के उस काम को करने के लिए सहमति बनी है। सफाई की दृष्टिकोण से जो लोग रिटायर हो गए हैं, मृतक हो गए हैं, अन्य जगहें जो खाली हैं, अब ये कहा गया है कि प्रत्येक वार्ड में 25-25 मिनिमम संख्या कर दी जाए और एक अलग से एक टास्क फोर्स बनाई जाएगी, कभी कहीं बरसात में पानी भर जाए, अचानक एकदम कोई जरूरत पड़ जाए तो अलग से एक टीम और वो हाईवे की भी सफाई करेगी, ऐसी योजना बनी है। साथ ही जो महानगर में यातायात की समस्या है, ये जो पहले यहाँ पर 400 मानव चलित रिक्शा चलती थी, अब वो बढ़ के लगभग महानगर में बैटरी रिक्शा जिसे हम बोलते हैं वो 20,000 से ऊपर हो गई हैं, तो ये एक मुरादाबाद पूरा का पूरा एक जाम की गिरफ्त में है। कोई निकलने बढ़ने चलने कोई नियम कानून ट्रैफिक कोई चीज़ अब रही नहीं, इस नाते उनकी संख्या को निर्धारित करने का आज एक प्रस्ताव पास हुआ है और उनको लाइसेंस लेना अब नगर निगम से अनिवार्य हुआ। नगर निगम से जो लाइसेंस लेगा वही नगर निगम की सीमा में उन ई रिक्शाओं को चला पाएगा। कौन सी ई रिक्शा किस क्षेत्र में चलेगी इस काम का निर्धारण जोन वाइज यातायात पुलिस करेगी। RTO को भी ये निर्देशित कर दिया गया है, आज पत्र के माध्यम से भी उन्हें कह दिया जाएगा कि वो RTO कोई भी अब महानगर की सीमा में किसी भी ई रिक्शा का रजिस्ट्रेशन न करें जब तक वो नगर निगम से NOC प्राप्त न कर लाए, तो ये हुई यातायात की बात। अतिक्रमण की भी और कई सारी अपनी भूमियों को वापस नगर निगम के स्वामित्व में लेने के लिए भी कार्रवाई करने का, आज जितने भी खोखे हैं इनको नियमित करने के लिए इन पर शुल्क निर्धारित हुआ है, पिक्चर हॉलों के ऊपर भी शुल्क निर्धारित हुआ है, जो किराए की दुकानें हैं हमारी उनके ऊपर भी
जो पुराना किराया चला रहा है 25-30 साल का, उनको भी पुनः उनको सर्किल रेट के हिसाब से शासनादेश के अनुसार उनको पुनः उनका मूल्यांकन किया जाएगा। ये विभिन्न मुद्दों पर आज चर्चा हुई है। अंत में एक वर्ष पूरा होने के पहले, क्योंकि 22 जून को परसों इसका एक वर्ष होने जा रहा है, अतः इसमें कार्यकारिणी समिति के 6 सदस्यों का स्वतः कार्यकाल समाप्त माना जाता है। तो उन 6 लोगों को 12 में से शलाका पद्धति के तहत नगर निगम की धारा 156 के अंतर्गत उनका 6 लोगों का शलाका पद्धति के अनुसार निकाल के उनका रिटायरमेंट किया गया है। अब इनके स्थान पर 6 नए लोग जुलाई के प्रथम सप्ताह में चुनाव के माध्यम से उनको नगर निगम में फिर पुनः कार्यकारिणी समिति में शामिल किया जाए। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।